अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान का ऐसा हीरो जिसने अपने कैरियर का स्टार्ट कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से किया, पर इनको अपना इंटरनेशनल कैरियर बनाने में सालों लग गए। साउथ शकील सितंबर 1995 में कराची में पैदा हुए और उन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी का बेहतर हिस्सा फेडरल बी एरिया के सगी सेंटर में गुजारा। 2007 में साउथ कोटा ग्लैडिएटर्स के इस वक्त के मैनेजर और मोइन खान के बेटे आजम खान की तवज्जो में आए। साउथ के चाचा से ताल्लुक के जरिए आजम ने इनका तारुफ करवाया, जो इस वक्त रीसेंट एकेडमी में छठी जमात के तालिबे इल्म थे। कई क्रिकेट एकेडमियों से मुतारिफ हुए। इन एकेडमी के सख्त रद्द अमल के बाद आजम ने साउथ को प्रैक्टिस सेशन में जम कर दिया, जहां इनका सामना रुमान रईस, अनवर अली और ताबिश खान जैसे खिलाड़ियों से हुआ। इसकी वजह से साउथ शकील की पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के साथ वाबस्तगी हुई और सरफराज अहमद और असद शफीक जैसे बैन अक्वामी क्रिकेटर्स की रहनुमाई मिली। इसने अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू 26 अक्टूबर 2015 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में किया। 7 नवंबर 2017 में इन्हें 2018 पाकिस्तान सुपर लीग के प्लेयर्स ड्राफ्ट में कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए खेलने के लिए मुंतखब किया गया था। वो 2017 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 7 मैचों में 488 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। अप्रैल 2018 में इन्हें 2018 के पाकिस्तान कप के लिए खैबर पख्तूनख्वा के स्क्वाड में शामिल किया गया। वो 2018 कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में पाकिस्तान टेलीविजन के लिए 5 मैचों में 414 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। 2018 में इन्हें ICC इमर्जिंग एशिया कप टीम के लिए पाकिस्तान की टीम के लिए शामिल किया गया था। मार्च 2019 में इन्हें पाकिस्तान कप के लिए फेडरल एरियाज के स्क्वाड में शामिल किया गया। सितंबर 2019 में इन्हें कायद-ए-आज़म ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए सिंध के स्क्वाड में शामिल किया गया। 2019 में इन्हें बांग्लादेश में ICC इमर्जिंग एशिया कप के स्क्वाड में शामिल किया गया। दिसंबर 2020 में इन्हें PCB अवार्ड्स के लिए साल के बेहतरीन डोमेस्टिक क्रिकेटर्स में से एक के तौर पर शॉर्टलिस्ट किया गया। जनवरी 2021 में इन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। मार्च 2021 में इन्हें जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के दौरों के लिए पाकिस्तान के टेस्ट और महदूद ओवर्स के स्क्वाड में शामिल किया गया। तहम वो इंजरी की वजह से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोजा बैन अक्वामी मैचों से बाहर हो गए। जून 2021 में शकील को बिलतरतीब वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दौरों के लिए पाकिस्तान के टेस्ट और वनडे सीरीज के स्क्वाड में शामिल किया गया। शकील ने अपना डेब्यू 8 जुलाई 2021 को पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड के खिलाफ किया। अक्टूबर 2021 में इन्हें श्रीलंका के दौरे के लिए पाकिस्तान शाहीन्स का कप्तान नामजद किया गया। नवंबर 2021 में इन्हें बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। फरवरी 2022 में इन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। जून 2022 में इन्हें श्रीलंका में 2 मैचों की सीरीज के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किया गया। दिसंबर 2022 में इन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए मुंतखब किया गया था। दूसरे टेस्ट में 4 जनवरी 2023 को उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी पहली सेंचुरी बनाई, जिसकी मदद से पाकिस्तान को पहले इनिंग्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ 449 रन के जवाब में बोर्ड में 400 रन बनाने में मदद मिली। सितंबर 2023 में इन्हें भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल किया गया। उन्होंने 6 अक्टूबर 2023 को हॉलैंड के खिलाफ अपने वर्ल्ड कप का आगाज किया, जिसमें उन्होंने 52 गेंदों पर 68 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का एजाज हासिल किया। इरफान पठान ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन का सहारा लिया, जो पहले ट्विटर था। साउथ शकील को इनकी कारकर्दगी पर बहुत ज्यादा बोला। अपनी पोस्ट में साबिक फास्ट बॉलर ने कहा, 28 साल नौजवान ने इसी तरह खेला जैसा न्यूजीलैंड के रिचर्ड विंड्रा ने दफाई चैंपियन इंग्लैंड के खिलाफ इफ्तिताही मैच में किया था। इरफान पठान ने साउथ शकील को मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर देखा। कल रिचर्ड ने प्रैक्टिस मैच फॉर्म का फायदा उठाया। आज साउथ शकील भी ऐसा ही कर रहे हैं। मिडल ऑर्डर में पाकिस्तान के लिए बाएं हाथ का अच्छा ऑप्शन है। ये बात काबिले जिक्र है कि साउथ शकील की शानदार कारकर्दगी ने पाकिस्तान को ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मुहिम जीत के साथ शुरू करने में मदद दी। ग्रीन शर्ट जो अपने दूसरे 50 ओवर के आलमी टाइटल के लिए खेल रहे हैं, 81 रन से जामे जीत दर्ज कराई। पाकिस्तान जिसे बैटिंग के लिए मौजूद पिच पर पहले बैटिंग के लिए भेजा गया था, 3 रन पर 3 आउट के स्कोर पर मुश्किल का शिकार थे, जब साउथ शकील और विकेट कीपर मोहम्मद रजवान ने अपनी निस सेंचुरी से जहाज को मुस्तकिम किया। उन्होंने 4 विकेटों पर 120 रन की शराकत कायम की। नाज़रीन, आपको साउथ शकील की बैटिंग कैसी लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।